दोस्तों, मेरे द्वारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ट्रेन सफ़र के दौरान पानी बोतल पर लिखे MRP से ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस पानी के बोतल पर MRP ध्यान से देखिए, 15 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ट्रेन में जो भी इसका बिक्री करते हैं वो लोग 20 रुपये की मांग करते हैं, और हम में से कई सारे लोग 20 रुपये दे भी देते हैं। ट्रेन में सफ़र करने के दौरान हमसे भी 20 रुपया मांगा गया। बेंगलोर से झांसी ट्रेन का सफ़र करने के दौरान हमसे भी पानी बोतल के लिए 20 रुपया मांग किया गया, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उसने मुझे 15 रुपये में दिया। आपको मैं खुद के द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाता हूँ जो मेरे सफ़र के दौरान था। दिखाइएगा पानी बोतल का उसमें कितना प्रिंट है। अरे भैया, इसमें लिखा है 15 रुपया, आप ले रहे हैं 20 रुपया। अरे 20 रुपये लोगे? 20 रुपये लोगे? हाँ 20 रुपये लेंगे। 15 रुपये खरीदते हैं अभी तक। भैया हम 15 रुपये में खरीदे हैं अभी। वीडियो दोस्तों आपने जो देखा वो मेरे द्वारा ही बनाई गई वीडियो है। मैंने इसका विरोध किया, उसने मुझसे 20 रुपये मांगा और मैंने 20 रुपये का विरोध किया कि इस पे MRP पे 15 रुपये लिखा हुआ है, आप 20 रुपये क्यों ले रहे हैं। तो उस बंदे ने 15 रुपया लिया। इस तरह से बहुत से लोग हैं जो 20 रुपये मांगे जाने पर 20 रुपये ही देते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। वैसे लोगों तक यदि मेरा यह वीडियो पहुंचता है तो मेरा प्रयास सफल रहेगा। दोस्तों, यदि आपके द्वारा बताए जाने पर कि MRP 15 रुपया है लेकिन 20 रुपया क्यों मांग रहे हैं, यदि वो नहीं मान रहा है कैंटीन वाला, तो आप अपना स्मार्टफोन निकालिए और स्मार्टफोन निकाल कर उस मोबाइल से एक वीडियो शूट कीजिए और उस कैंटीन वाला को बताइए कि मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपका वीडियो वायरल करूँगा यदि आप मुझसे 20 रुपये लेंगे। तो वह डर कर आपसे कभी भी 20 रुपये नहीं लेगा और 15 रुपया चुपचाप से ले लेगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप जागरूक होंगे और अधिक पैसा मांगे जाने पर उसका विरोध करेंगे और अधिक पैसा देने से आप बचेंगे। इतना ही कहने के बाद मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।